पलार फिल्म की असली कहानी क्या है, कैसे थे अल्लूरी सीता रामा राजू और कोमा राम भीम, क्यों काले बादल छाए ट्रिपल आर पर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। ये कहानी है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीता रामा राजू और कोमाराम भीम के बारे में। ये कहानी है भारत के दो वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। वैसे तो दोस्तों हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन इससे पहले लगभग 100 सालों तक मुगल और अंग्रेजों ने शासन किया। इस दौरान बाहर से आए इन लुटेरों ने देश को लूटा और देश की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश भी की, जहां मुगलों ने भारत में फूट डालकर बर्बर लुटेरों की तरह इस देश की संस्कृति, शौर्य और इतिहास को बर्बाद करने की कोशिश की। वहीं अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारतीय संस्कृति और भारत के स्वर्णिम इतिहास को मिटाने की भरपूर कोशिश की थी। हम लोग भारत के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत कम जानते हैं, और अगर यही चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं उन्हें भूल न जाए। दोस्तों बॉलीवुड हमेशा से भारतीय संस्कृति और इसके स्वर्णिम इतिहास को सही ढंग से नहीं दिखा पाया है, कहीं ना कहीं झूठ होता है उसमें। मगर साउथ के दिग्गज डायरेक्टर SS राजामौली ने भारतीय संस्कृति और इतिहास पर बाहुबली के बाद अपनी नई सबसे बड़ी फिल्म RRR को रिलीज करने वाले हैं। इस फिल्म में भारत के दो स्वतंत्रता सेनानी महान अल्लूरी सीता रामा राजू और कोमाराम भीम की कहानी दिखाई जाएगी। ये SS राजामौली के करियर की सबसे बड़े बजट की फिल्म है। इस फिल्म का प्रोडक्शन लगभग 400 करोड़ से ऊपर का है, और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी दिखाने के लिए इस फिल्म में कितनी मेहनत की गई है। अल्लूरी सीता रामा राजू और कोमाराम भीम के बारे में तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़कर बाकी राज्य बहुत कम जानते हैं, और ये बेहद जरूरी है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमारी नई पीढ़ी को भी पता चले। इसीलिए SS राजामौली इस फिल्म को लेकर दर्शकों के सामने आ रहे हैं, ताकि हमारा इतिहास, हमारे वीर योद्धाओं का इतिहास कहीं दबा ना रह जाए। और ये बात तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है कि SS राजामौली जिस तरह से फिल्मों को बनाते हैं वो अपने आप में इतिहास बन जाता है। बात करते हैं इस फिल्म पर काले बादल क्यों छाए हैं। दरअसल हुआ ये कि कोमाराम भीम असल में हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़े थे, उसी से लड़ने के दौरान उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। कोमाराम भीम हैदराबाद के निजाम और इस्लाम के नियमों के खिलाफ थे, मगर RRR फिल्म के मोशन पोस्टर में कोमाराम भीम को मुस्लिम किरदार में दिखाया गया है। इसी से आदिवासी समाज और कोमाराम भीम के फॉलोअर्स फिल्म के डायरेक्टर और निर्देशक पर सवाल खड़े कर रहे हैं और फिल्म से सीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप RRR के लिए कितना एक्साइटेड हैं? क्या ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।